बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बायो की ग्रेड 10, बायो की क्लास 10 की बुक से अपने नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 13 जो है एक्सक्रीशन, ठीक है, कहते हैं इखराज का जो अमल होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्रीशन होती किस तरह। अब हमारे पास पेज नंबर 25 पे रीडिंग है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ने से पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन होती क्या है, ठीक है। सो ये देखिए पेज नंबर हमारे पास 24 में है इसका इंट्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी ऑफ 100 ऑफ रिएक्टेंट इज आवर बॉडी विच ऑल्दो इन नॉन एस मेटाबोलिज्म। बहुत सारे जिस्म के अंदर हजारों किस्म के ऐसे गैर क्या कहते हैं यूजफुल मटेरियल्स होते हैं जिनको जिसम से बाहर करना होता है, उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैन बी जनरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मेटाबॉलिज्म का जो अमल है ये दो चीजों में डिवाइड किया गया है, द कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड द एनाबॉलिज्म। द कैटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर कंपाउंड। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये वो अमल है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम यूटिलाइज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज इन लाइफ, ताकि उससे जो क्या कहते हैं उन मिनरल्स से जो यूजफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाए और उससे बॉडी को कराबंद बनाया जाए। इन कैटाबॉलिज्म रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड्स आर ब्रोकन इनटू ऑक्सीडाइड थ्रू द एंजाइम्स रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप टू जनरेट केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म टू एटीपी मॉलिक्यूल्स एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। इसमें होता क्या है, कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन में होता यह है कि जो यूजफुल मिनरल्स होते हैं इन अ लार्ज फॉर्म उनमें से तोड़ के क्या किया जाता है, एनर्जी को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, लिपिड्स को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है और बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है। यहां पे देखिए आपके लिए एक इक्वेशन दी हुई है, एक उन्होंने क्या कहते हैं एक उन्होंने अपना ठीक है इक्वेशन देखिए बताया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को जब आप ऑक्सीजन से प्लस करेंगे सो देखिए कार्बन ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्या कहते हैं जो मेन इसका जो सिंबल है ठीक है वो CO2 है, ठीक है। इसकी जो क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन जो है वो CO2 है प्लस H2O वाटर। ऑक्सीजन का जो क्या कहते हैं वो है ठीक है केमिकल रिएक्शन वो क्या है ऑक्सीजन का H2O। पानी के साथ जब कार्बोहाइड्रेट्स को मिलाएंगे तो प्लस एनर्जी, और जब हम इसमें एनर्जी प्लस करेंगे ठीक है, फिर प्रोटीन में जब हम ऑक्सीजन प्लस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में वाटर, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एनर्जी प्लस करेंगे। उसके बाद है लिपिड्स में हम एनर्जी प्लस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के और वाटर के और एनर्जी के मॉलिक्यूल्स को इसमें प्लस करेंगे। बाय लुकिंग इन अबव रिएक्शन, ये देखिए एक रिएक्शन हो रहा है ठीक है, जब इन सब चीजों को हम रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, यू नो डेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड अमोनियो फॉर्म इन दिस रिएक्शन। सो इसके नतीजे में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा और अमोनियो एसिड बनेंगे। दे आर रिग्रेट ऑफ वेस्ट एंड सल्फर प्रोडक्ट बिकॉज दे कैन नॉट यूटिलाइज बाय द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये फिर क्या है, ये फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वो वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बॉडी की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि इसमें से रिएक्शन और इंपॉर्टेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए हैं। विद इन द एक्सेप्शन ऑफ प्लांट्स विच कैन यूज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, दे वेस्ट प्रोडक्ट मस्ट बी रिमूवल फ्रॉम द बॉडी एज सून एज पॉसिबल बिकॉज दीज आर टॉक्सिक पॉइजनिंग ऑफ अ सेल इन अ एक्यूमुलेटिंग बॉडी इन अ ऑर्गेनिज्म। जब फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने के अमल में जब खुलिया अपना खुराक बना लेता है सेल के थ्रू, फिर जो उसमें वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू अपनी बॉडी से आउट करता है। अगर वो आउट नहीं करता सो वो वेस्ट मटेरियल उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन सकती है। क्यों खतरनाक बन सकते हैं, क्योंकि वो सेल को फिर बाद में डैमेज करते हैं। अमोनियो इज इवन मोर टॉक्सिक देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अमोनिया एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इट शुड बी क्विकली रिमूवल, इनको बहुत जल्दी बॉडी से फ्रॉम अ बॉडी, ठीक है, रिमूव करना पड़ता है बॉडी से इनटू लेस टॉक्सिक मटेरियल्स बाय इवन न टॉक्सिक मटेरियल इज यूरिया। और जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल वो कौन से है, यूरिया, ठीक है, यूरिक एंड एसिड्स एंड हैव टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यूरिया एंड यूरिक एसिड मतलब वो पेशाब और जो दूसरे जो मिनरल्स होते हैं जो क्या कहते हैं हमारे अनयूजफुल होते हैं, ठीक है। सो वो क्या है, वो इस कैटेगरी में अमोनिया कैटेगरी में लाइक करते हैं, ठीक है। तो ये सारा अमल जो वेस्ट मटेरियल्स को जिस्म से पास्ट आउट करता है ये अमल कहलाता है एक्सक्रीशन, निजामे इखराज, ठीक है। सो तक की वीडियो में इतना ही, वीडियो मुलाकात होगी, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।